जो हमें दे दो जो छोड़ो आप। भैया और राम राम, आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज भैया अधिवक्ता संघ को चुनाव भव है, जज साहब भी सामने बैठे हैं, निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो बुंदेली चुगली को जो सीधो प्रसारण है भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे हैं कि देखो चुनाव प्रक्रिया को पूरा जो होत है ताना बाना वो पूरा है और नियम कानून के कायदे के साथ हो रहा। सबसे बड़ी प्रमुखता की बात यह है भैया कि जो नियम है कोरोना कॉल की जो गाइडलाइन है उनको प्रमुखता से पालन करो जा रो, सोशल डिस्टेंस देखो जाए, सैनिटाइजर देखो जाए या मास्क देखो जाए। और जो भैया एक एक करके हम सब प्रमुखता से दिखवा भी आप लोगों का एक एक चेहरा दिखवा भी हम कि देखो सुरक्षा व्यवस्था को कितनों ध्यान करोगो। इकेला ने भैया वास्तव में पूरा संघ साधुवाद को पात्र है और सभी जने साधुवाद के पात्र हैं कि वाकई जैसी गाइडलाइन भाव चाहिए वैसी हो रही। अब जो है भैया हम आगे भी दिखवा रहे हैं आप लोगों का, देखो ये मत डर रहे, बिल्कुल निष्पक्ष प्रणाली के हिसाब से चुनाव हो रहे जैसे हुए थे चुनाव जो देखो जा सकता। आप भैया सामने लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देख रहे। अब आगे हैं भैया जे हैं निर्वाचन अधिकारी, इन्हीं को मुख्य रोल राज भैया निर्वाचन अधिकारी प्रमुखता से सब कुछ संभाल। तो भैया इनको अनुभव जरूर सुन भी कि सर जो चुनाव कैसे भाव का अनुभव है आपको आगे की कार्य प्रणाली की। अभी तक 722 वोट पड़ चुके हैं और 10 मिनट का टाइम शेष रह गया है, इसके बाद चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सुबह से 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई थी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, कोई भी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं हुई कि सब लोगों सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और कल सुबह 10 बजे से गिनती प्रारंभ कर दी जाएगी। सर इसमें कितने कैंडिडेट थे, के जने चुनाव लड़ रहे थे, अध्यक्ष को सचिव उपाध्यक्ष? अध्यक्ष पद के लिए 3 थे, उपाध्यक्ष में 6 थे, सचिव में 3 थे, ग्रंथपाल और क्रमशः कोषाध्यक्ष में 2-2, 3-3 लोग थे जो सभी का और 12 कार्यकारिणियों के चुनाव होना है। जो है भैया निर्वाचन अधिकारी से आपकी सीधी बात भाई। अब हम आगे एक एक प्रमुख चेहरा भैया जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मुलाकात करा भी, उनसे भी बातचीत करा भी भैया, चेहरा सभी दिखाओ जाओ, प्रमुखता से दिखाओ जाओ। अब इतने पर भैया हमारे जो हैं हमारे संगे लखन भैया हैं, तो लखन भैया जरूर देखा है। अब जे हैं भैया एक बार अध्यक्ष बन चुके पूर्व अध्यक्ष मनोज व्यास, नाम वैसे ख्याति प्राप्त है, नाम ना बताओ जाए तो कछु नहीं है। अब भैया दोबारा फिर चुनाव के मैदान में हैं तो उनको अनुभव उनकी बात भैया उन्हीं के द्वारा। व्यास जी ऐसे आप थोड़ी आप अपना अनुभव बताओ चुनाव के बारे में। जी कैसे चुनाव हो? चुनाव बड़ा अच्छा रहा, शांतिपूर्वक हुआ है, हमारे मतदाताओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है मतदान करने में बहुत रुचि से। एक मिनट, ये हमारा मतदान करें आप अध्यक्ष पद के लिए। हमारे संघ में निष्पक्ष मतदान हुआ है, हमारा जो प्रत्याशी है हमसे 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए, बड़ा सौहार्द रहा, हमने दिन भर साथ में रहे, साथ में बैठे, साथ में चाय पी, साथ में बैठ के वोट मांगा है सबसे। हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं है, ये हमारे परिवार का चुनाव है, बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। नियम पूर्वक? हाँ नियम पूर्वक हुआ है, गाइडलाइन बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया गया है पूरी तरीके से, सैनिटाइजर मास्क सबका उपयोग किया गया है। इसमें तो भैया सभी जाने साधुवाद के पात्र हैं भैया, वास्तव में हम अंदर देख के आए हैं, लाइव प्रस्तुति है जो बुंदेली चुगली को सीधे प्रसारण है, आप घर बैठ के देख सकते। जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, बहुत बड़े दायित्व हो, उनको निर्वहन भी करत हैं। अब भैया जो हैं सचिव पद के प्रत्याशी अनिल द्विवेदी, इनको अनुभव इनकी कहानी है नहीं की जुबानी, द्विवेदी जी आप बताओ। मैं सचिव पद का प्रत्याशी हूँ, यदि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिलता है और मैं इस पद पर आता हूँ तो मैं अधिवक्ताओं के विकास के हित का सभी कार्य करूँगा। जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन का ऊपर बढ़ाएंगे, उनके लिए लाइब्रेरी बढ़ाएंगे और तथा सीनियरों का सम्मान करना जूनियरों को सिखाएंगे। सभी अधिवक्ताओं में तालमेल हो, सभी लोग बार के विकास में सहयोग करें, बार के विकास की जितनी चीज़ें होंगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। भैया ये हैं बगल में संतोष गुप्ता हैं,
इनको बहुत नाम छाओ है, वैसे काहे पैसा वाले जो हो उनको नाम छा जात। भैया गलत तो नहीं कह रहे, तो जो भैया इनकम टैक्स से संबंधित है तो वो तो रुपया नहीं है, दिन रात आने हैं। तो भैया अब इनको अनुभव जरूर सुन भी, काहे से हर चुनाव में जो प्रमुख भूमिका निभाऊ, अब गहोई समाज को चुनाव हो तो वो तो भैया प्रमुख भूमिका में है, तो ये तो भी कोनो न कोनो महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। तो भैया आप संतोष गुप्ता जी से सीधी बात हम करवा रहे, भैया इनके अनुभव, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। आज जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हैं और यहाँ पर मतदाताओं में इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि लगभग 90% वोटिंग हो चुकी है और ये चुनाव बुद्धिजीवी वर्ग के चुनाव माने जाते हैं। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग पूरी तरीके से मास्क लगा के यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और हम लोग अपने जो हमारे टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले वकील एडवोकेट बंधु हैं, हम लोग यहाँ उनकी तरफ से जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे निरंजन खरे जी कार्यकारिणी के रूप में खड़े हुए हैं टैक्स बार की तरफ से और उनके यहाँ उनके लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। निरंजन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके विचार कहाँ हैं? धन्यवाद साहब। अभी तक हम लोगों की टैक्स बार से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं आता था जिससे हम लोगों की गतिविधियाँ यहाँ और यहाँ की गतिविधियाँ हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी, इसलिए इस बार हम लोगों ने निर्णय किया था कि हमारी टैक्स बार एसोसिएशन से भी एक व्यक्ति यहाँ सम्मिलित हो जाए तो ज़्यादा, यहाँ का हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया हमें सहानुभूतियाँ और आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद भैया आपका। मैं जो है जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद का प्रत्याशी हूँ, संदीप बिलसरे मेरा नाम है और जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव इस मायने में गौरवपूर्ण है क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें 60% 70% से ज़्यादा मतदान नहीं होता है, किंतु जिला अधिवक्ता संघ ने ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं बुद्धिजीवी हैं, जागरूक हैं, अपने मतों का प्रयोग करना जानते हैं, इसी कारण से 95% के लगभग जो है मतदान यहाँ पर हुआ है और मैं इस विषय में जो है मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जीत हार किसी की भी हो मगर मतदाता के मत से जो है जीतदार हो तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जितना ज़्यादा मतदान हुआ उतना ज़्यादा जो है लोकतंत्र की जीत हुई। अदरवाइज अगर लोकतंत्र जो है हमको बचाना है तो मतदान अधिक से अधिक करना पड़ेगा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव की तरह नहीं कि 50% 55% 60% वोटिंग करके जो है 40% मतदाता का मत लिया ही नहीं जाता है। हमारे जो है अधिवक्ता संघ के लिए गौरव का विषय है और मैं इसमें सारे मतदाताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ के मतदान किया। तो भैया देखो एक एक चेहरा दिखवा रहे हैं, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति यही के लाने हैं भैया, सब दिखाओने हमें, एक एक करके दिखाओने, को रह न जाए। अब भैया जो दुबे जी हैं अब इनके विचार भी जान भी, हम दुबे जी का विचार है इनके बारे में, इसका क्या वो चाहता चुनाव के शुभ हो। आज जो अधिवक्ता संघ का ये चुनाव हो रहा है बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में ये चुनाव सम्पन्न हुआ है और लगभग 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। हम लोगों के परिवार का चुनाव है, हम लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सबने मतदान किया है और आपस में किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ है और भविष्य में भी समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव चाहे कोई भी हो सद्भाव और शांतिपूर्वक लड़कर लोकतंत्र को इसी तरह अपन बनाए रखें और बार के विकास के लिए अधिवक्ता साथियों के सहयोग के लिए जो भी कार्य होंगे वो अधिवक्ता संघ के माध्यम से किए जाएंगे। यही संदेश है सब जनन के लाने। तो भैया इन्हें बार बार साधुवाद दो जा रहा। अब देखो भैया एक कर्ता धर्ता की भूमिका में अरविंद सिंह दांगी कोतवाली टी आई, ये भैया सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रमुखता से समारत, चाहे कोनो मंत्री नेता आए तो इन्हें दायित्व दो जात इतने लाने से जाने जात, और चाहे कोनो चुनाव हो या कछु भी हो लेकिन इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित रात के दांगी जी ते प्रमुख चेहरा रहे हैं। अब भैया इनके विचार भी जान भी, हम कहते आके कैसो लगो का प्रभाव हो ये चुनाव को आगे की दिशाई की चुनाव की कैसी रहे। आज छतरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। वैसे सभी प्रबुद्धजन हैं, वकीलगण हैं, सब अधिवक्तागण विद्वान हैं, सब शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। कल काउंटिंग रहेगी उस हिसाब से पुलिस व्यवस्था रहेगी और पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा बार एसोसिएशन। भैया जो है देखो दल बल के साथ भी सहयोग में तत्पर रहा, ड्यूटी अपनी प्रमुखता से निभाऊ थे। अब भैया देखो जो आगो समय दूसरो, अब जो आगो हमाओ शीतल, अब तो भैया हमारे लखन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। लखन भैया हमाओ बहुत सहयोग करत, हर जब सहयोग करत भैया। अब लखन भैया का हम
भैया अब देखो, अब लखन भैया आप बताओ, एक वकील के नाते थे, पत्रकार के नाते नहीं, पत्रकार अलग हो जाने, इतने आप दूसरे रोल में आ गए, फिर तीसरी स्टेज में वो अलग रोल बदलने पर आपको तो पता है, बतावे की जरूरत नहीं। तो अब ये रोल के बारे में कहा है, ये की भूमिका के बारे में कहा है, और आगे के का मतलब ऐसे मार्गदर्शन है, कैसे का संदेश ये है कि भैया ये सब हो चाहिए जो सुनिश्चित है सो करूँ चाहिए। देखो जो 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 चुनाव की बात है, चाहे वकीलन की चुनाव की बात करें या कोनो भी चुनाव की बात करें, अगर कोनो एक वर्ग होत है, समुदाय होत है, अगर उनके आगे बढ़ने उनके लोगों को ध्यान देने, तो एक संगठन हो वो जरूरी है, और उनके लाने चुनाव एक प्रक्रिया बनाई गई है। तो ये हर वर्ग की बात ये थे, वकीलन में भी ये चुनाव होते हैं ताकि अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, उसको सदस्य बने, और वकीलन के हित के लाने भी लड़ाई लड़ सके, अपनी बात रख सके। तो दो साल को जो कार्यकाल होते हैं, जिला बार संघ के जो चुनाव होते हैं, उनमें पदाधिकारियों के कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव होते हैं। तो ये कोरोना के चूँकि समय चलत रहो, बीच बीच में जो चुनाव नहीं हो पाओ, बाद में इसे हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद से आदेश आओ कि 15 अप्रैल तक ये चुनाव करा के पूरी जानकारी ऊपर भेजें। तो मैं 10 तारीख के चुनाव की मतगणना के लाने पहले जो आदेश जारी करूँगा हो तो, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो इस कारण से जो फिर आज 12 तारीख कर दी गई थी, और आज यहाँ पे सवेरे से 8 बजे से मतदान शुरू करूँगा, और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है अभी की पूरी, अब पेटी एटी सील करके नियम नियम से जो भी हुए सुरक्षित रखो जो है, इनमें जज साहब है, डीजे शोएब खान साहब, उनकी निगरानी में पूरी निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न भाव है, निर्विवादित रूप से कोई विवाद नहीं हुआ है, और कल सुबह की गणना शुरू कर दी जाए। हम बुंदेली चुगली के पूरे अधिवक्ता संघ की तरफ से बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि आप हर जगह पहुँचा, तो हमारे तय भी आए और हमारी प्रवक्ता से या ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई, और हमारे चाचा त्रिवेदी जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा हमें अवसर दे दो आप लोग कि हम आ सकें, दिखा सकें। अब भैया आगे चल रहा है, एक एक फिर से दिखवाओ चलें। देखो भैया जे वकील साहब, देखो जे जाने बोलो, आज को चुनाव जो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजेदार चुनाव, बहुत उत्साह, नए लड़कन में उत्साह, बहुत बढ़िया रहो महाराज। अब देखो भैया दृश्य देखा, चलो वकीलन से खचा खचा भरो, मुलजिम नहीं है आज, न इनके क्लाइंट ना आए, सिर्फ जय हैं, जितने जने देखा है केवल वकील, ना क्लाइंट देखा है, यही में है सब कछु जो कछु, एक एक चेहरा दिखाओ चलो भैया, केवल सिर्फ वकील और कौन न बैठे, आज क्लाइंट नहीं है भैया, आज खाली आपस में है इनको, जो कछु भी चल रहे हैं वो आपस में होने, वकीलन वकीलन के बीच में चुनाव है भैया। विनोद भैया चाय की चुस्की के बीच में बताओ कछु चुनाव की। हाँ भैया, अभी हम कुछ ना बता पाएंगे, कदम सहायक चुनाव अधिकारी है, और आपसे ले लो, आपसे इंटरव्यू ले लो, लखन भैया हैं, दे देंगे इंटरव्यू हम 5 बजे। भैया आप बताओ कछु चुनाव के बारे में बताओ। जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर का चुनाव जो हुआ है, अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सारे, और ग्रंथपाल, ये सारे पदों पर बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत ही कांटे की टक्कर है, बहुत नज़दीकी मुकाबला है, मात्र 10 वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला होगा, और 10 से कम भी हो। हाँ, चुनाव शांतिपूर्वक हुआ है, हम अधिवक्ता जो सब लोग हैं सब एकजुट हैं, और हम आपस में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया है, और बाकी, हाँ बाकी कल रिजल्ट आएगा। तो भैया जो है देखो कि एक सबसे बड़ी बात जो है कि आपसी तालमेल की, कि मतलब आपसी तालमेल इतने अच्छे हैं कि कहूँ कोनो जरूरत को की नहीं पड़ी है, ना कोनो सुरक्षा व्यवस्था की पड़ी। अब भैया बताओ, भैया इस चुनाव के बारे में अपना अनुभव बताओ, अध्यक्ष पद के बारे में बताओ। जैसा कि हम युवाओं का भी ये पहला चुनाव था हमारा, हमें तो चुनाव में बहुत आनंद आया है, और ये बहुत अच्छा चुनाव है एक अधिवक्ता संघ का, और हम तो अधिवक्ता संघ में जो भी अध्यक्ष बनता है उनसे सब यही आरजू करते हैं कि जो भी हम लोग नए अधिवक्ता, जो भी जूनियर अधिवक्ता आते हैं, उनको मंथली कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे वो अपना गुजारा भी कर सके, और अपने आने वाले समय में जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दे सके। और जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है, और हमारे जो युवा अधिवक्ता है, छोटे छोटे अधिवक्ता आते हैं नए नए, उनको पढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कत जाती है, वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई गरीब व्यक्ति के लड़के हैं जो गरीब लोगों के, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे पूरे बैरक, पूरी किताबें जो भी वकालत की है वो उनको फ्री इशू कराई जाए, जिससे वो अच्छे से पढ़ सके, और नए अधिवक्ताओं के लिए मंथली कुछ ना कुछ उनका होना चाहिए, जिस वजह से वो अपनी प्रैक्टिस भी करते रहे और पढ़ाई भी करते रहे और वकालत भी करते रहे। एक बार नाम आप और बता दो। मेरा नाम विशाल सिंह राय। भैया देखो जे हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, जब ये विशाल सिंह राय,
नव लड़का है, लेकिन अरमान बहुत तेज है, समाज सेवा की भावना बहुत अच्छी है, भगवान करे कामयाबी मिले। के जो नए लड़का आ रहे जिन्हें कोई मतलब परेशानी पड़ रही, कोई दिक्कत पड़ रही, तो वे सीधे मिले, सीधे अपनों काम करवाएं, सीधे दिखवाएं। अब भैया आगे बढ़ रहे, हम देखो प्रयास कर रहे, अगर राकेश दीक्षित मिले जा रहे तो हम राकेश दीक्षित के भी अनुभव जानवे, चुनाव लड़वे को नया अनुभव बहुत तेज है, लेकिन राकेश दीक्षित आज पता नहीं है कि अपनों जो तंबू छोड़ के कहाँ बार बार गायब हो जाते। चलो भैया अगर हाँ चलो को मिले, प्रतिनिधि बैठे हैं उन्हीं से जानवी, हमारे राव जी हैं उनके प्रतिनिधि, हम लोग इनके प्रतिनिधि हैं। हाँ भैया भी चुनाव के बारे में बताओ, कछु राकेश भैया के बारे में कछु रोचक जानकारी, चुनाव कैसे रहो? नहीं बहुत बढ़िया चुनाव रहा, और भाई साहब के जीतने की 100% उम्मीद भी है, एक बार पहले भी वो जिलाध्यक्ष बन चुके हैं बार काउंसिल के, और इस बार पुनः वो फिर से चुनाव मैदान में है, और अच्छा समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे मनोज व्यास एक बार के अध्यक्ष बन चुके और एक बार ये बन चुके राकेश दीक्षित, तो मुकाबला तो दो के बीच में कहो जैसे आम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, बाकी तो दल लगे रात, लेकिन प्रमुखता से गिनाए जात दो। अब तीसरो होगा भैया, एक नौ कैंडिडेट है वो भी चुनौतीपूर्ण है, चुनौती वो भी दे रहा हो, तो इसके बारे में क्या बताओ? तीनों पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, भाई साहब ने ये रखा था प्रस्ताव कि इस बार हमारा ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद हमको चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा जो युवा वोटर हैं वो भी उनके साथ थे, ये उनका प्लस पॉइंट था, और जो उनके क्षेत्र के लौड़ी चंदला क्षेत्र है, जो पुराने लोग हैं, सबका भरपूर सहयोग मिला, इसलिए उनकी जीतने की 100% हम लोग हार जीत की बीच में सुनिश्चित कर रहे। देखो सब अनुभव हो जात, सब तजुर्बा हो जात, की के बीच में जो हार जीत सुनिश्चित की कदम। देखिए मैं बताऊं कि जो हमारे इसके पहले अध्यक्ष थे जिला अधिवक्ता संघ के, आदरणीय राजन शर्मा जी और आदरणीय राकेश दीक्षित के बीच में ही चुनाव मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि व्यवहारिकता में देखा जाए तो आपसी व्यवहारिकता, बार का व्यवहारिकता के रूप में सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और ये चुनाव ऐसा है कि एक परिवार है हमारा ये अधिवक्ता संघ का, हम सब लोग मिलकर रहते हैं, सब लोग मिलकर रहे भी हैं, और चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, हम सब लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं, कोई भी जीते हम लोग सब मिलकर रहे। संदेश तो साफ दो है वकील पूरी संघ ने, भैया वकील संघ ने, कि वास्तव में भाईचारे को चुनाव हो, कहूँ को चेहरा नहीं लटको, ना कहूँ को ऐसा उदास दिखा रहे हो, कहूँ फाइटिंग हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बड़े प्रेम से चुनाव और बढ़िया पद्धति के साथ कोरोना गाइडलाइन को पालन करत भाई। भैया सब जनन का बहुत बहुत साधुवाद बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से, कि आप लोगों ने जैसो चुनाव होत को है वो साबित करो है कि चुनाव ऐसो भाव चाहिए, तो भैया ये जिला ने जरूर साधुवाद दो जाए। अब भैया जी हमारे लखन भैया जा रहे, अब लखन भैया सब जनन का बधाई देने का करने अंतिम है, अब करें अब बताओ का सब जन के जो है कि चुनाव लड़ रहे सब लोग, जो भी अध्यक्ष बने चाहे उपाध्यक्ष बने, सब बार के हमारे भाई ये भैया हैं, और जो भी बने हैं तो वे बार के जो भी हमारे सदस्य अधि वकील सबके उनके हित के लाने काम कर रहे हैं, हमारे लाने तो सब बराबर हैं, चाहे कोई भी अध्यक्ष बन जाए, चाहे कोई भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी बन जाए, वाह भाई हमारी कौन कौन उसे बुराई हो, बुराई भाव भी नहीं चाहिए, हार जीत तो चली आई है, उन्हें कौन के मन में मन मुटाव रखो चाहिए, यही भावना से कहूँ आज समय आपको आओ कल हमाओ समय आओ, यही भावना से रहो चाहिए, और हर जीत के बाद कोई मन में मुटाव न रखते हुए केवल वकीलन के हित में काम करो चाहिए, तो बुंदेली चुगली के एक बार फिर हम अपने पूरे वकीलन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लखन भैया सहयोग के लाने, आप हमेशा हमारा सहयोग करत, हम आभारी हैं आपके। अब भैया बुंदेली चुगली की जब लाइव प्रस्तुति हम इस तरफ ऐसे खड़े हो गए भैया समाप्त कर रहे, फिर कौन खबर लेके हम फिर हाजिर हो भी, तब तक के